हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक नया टॉपिक शायर इवेल्युएशन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आखिर शायर इवेल्युएशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम जैसा कि जानते हैं, वर्ल्ड का जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एनिमल प्रोडक्ट, चाहे वह दूध हो या मीट हो या वूल हो या स्किन हो, हर तरीके के एनिमल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसे फुलफिल करने के लिए एनिमल सेलेक्शन और अदर ब्रीडिंग मेथड्स को यूज किया जाता है लाइव स्टॉक के एबिलिटी को, प्रोडक्टिव एबिलिटी और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन काफ़ी हेल्पफुल है। आगे देखेंगे कि शायर इवेल्युएशन के और क्या कुछ फ़ायदे हैं। तो विद द एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन, ए शायर हैज़ ए पोटेंशियल ऑफ सर्विंग 3/4 million काउस एंड प्रोड्यूसिंग 1/4 million प्रोजेनीज। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और क्रायोप्रिजर्वेशन के वजह से आज एक शायर, एक बूल लगभग 3/4 million काउ को इंसेमिनेट कर सकता है अपनी लाइफ टाइम में, और साथ ही साथ वह लगभग 1/4 million प्रोजेनी को पैदा कर सकते हैं। उसके जो स्टोर्ड सीमेन है उसे यूज़ करते हुए इतनी ज़्यादा संख्या में प्रोजेनीज को पैदा की जा सकती है। दस सेलेक्शन ऑफ बुल इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन डेयरी हर्ड इम्प्रूवमेंट। तो आप देख सकते हैं कि एक बुल या एक शायर से कितनी प्रोजेनीज पैदा की जा सकती है। इस वजह से जो शायर का सेलेक्शन है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले लेक्चर में भी मैंने शायर के सेलेक्शन के ऊपर मैंने कुछ डिस्कस किया था और शायर सेलेक्शन से रिलेटेड कुछ जानकारी दी थी। मैं उन चीज़ों को फिर से ब्रीफ करना चाहूँगा कि शायर का इम्पोर्टेंस किसी हर्ड में, पहले ऐसा माना जाता था कि शायर का इम्पोर्टेंस किसी हर्ड के अंदर हाफ होता है, शायर इज़ हाफ ऑफ द हर्ड, जनरली ऐसा बोला जाता था। लेकिन जो नए रिपोर्ट आ रहे हैं उसके अनुसार शायर इज़ नॉट ओनली हाफ ऑफ द हर्ड, दे आर मोर देन 70% ऑफ द हर्ड। तो किसी भी हर्ड का जो परफॉर्मेंस है वह कितना आएगा उसको डिटरमाइन करने में जो शायर का कंट्रीब्यूशन होता है वह लगभग 70% या 70% से भी ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ जब हम इवेल्युएशन की बात करते हैं, हम शायर या डैम की इवेल्युएशन की बात करें, तो ये इवेल्युएशन जनरली प्रोजेनीज के परफॉर्मेंस के बेसिस पर की जाती है। और आपने अभी देखा कि एक शायर के कई सारे प्रोजेनीज आते हैं, हजारों में भी प्रोजेनी उनसे पैदा किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे या जो इवेल्युएशन करेंगे उसमें बायसनेस की संभावना काफ़ी कम होगा। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें डैम्स की, तो डैम्स अपने लाइफ टाइम में हार्डली 8, 9, 10 बच्चे पैदा करती हैं। यदि हम डेयरी एनिमल की बात करें, कैटल या बफलो की बात करें, तो जो एक माँ है, गाय या भैंस है, वह अपने जीवन काल में लगभग 8-10 काफ को पैदा करती हैं। और इसमें से भी जो हम कंपैरिजन करते हैं, जो इवेल्युएशन करते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो फीमेल काफ जो होंगे वो लगभग 4-5 ही उसके लाइफ टाइम में आ पाएंगे। तो इस वजह से 4-5 एनिमल के बेसिस पर यदि आप डैम को इवेल्युएट करो तो वह इवेल्युएशन बहुत बायजनेस के साथ आएगा। और साथ ही साथ डैम्स इस 4-5 फीमेल काफ को पैदा करते करते अपना लाइफ टाइम प्रोडक्शन को फिनिश कर देंगी, क्योंकि 4-5 एनिमल जो फीमेल काफ पैदा करे उसमें उसे कम से कम 12-13 साल का समय लग जाएगा, और तब तक लगभग वह अपना प्रोडक्शन लगभग दे चुकी होगी। दूसरी तरफ यदि शायर की बात की जाए, बुल की बात की जाए, तो बुल इवेल्युएशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है। इस वजह से जो बुल की इवेल्युएशन की जाती है वो ज़्यादा करेक्ट होता है, और बुल हर्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डॉटर या
ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है। इस वजह से हर्ड में सैर का इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। आगे अब देखेंगे सैर इवेल्युएशन के बारे में, सैर इंडेक्स के बारे में। ए सैर प्रोडक्शन ट्रांसमिटिंग एबिलिटी कैन बी एस्टिमेटेड बाय मैथमेटिकल मीन्स एंड एक्सप्रेस्ड एज ए सिंगल फिगर नोन एज सैर इंडेक्स। तो सैर इवेल्युएशन के दौरान हम एक वैल्यू देते हैं सैर को, जिसे कि हम सैर इंडेक्स कहते हैं। आगे देखेंगे सैर इंडेक्स किस प्रकार से तैयार किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सैर इवेल्युएशन इज टू एस्टिमेट द ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ ए सैर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑल ऑफ इट्स प्रोजेनी फ्रॉम डिफरेंट डैम्स रैंडमली मेटेड टू दिस सैर। हम अमूमन सैर इवेल्युएशन में जो सैर इंडेक्स बनाते हैं वो जनरली सैर के जो प्रोजेनीज आते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उस ब्रीडिंग वैल्यू को निर्धारित करते हैं। आगे देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल दिस इंफॉर्मेशन कैन बी कंबाइंड इनटू इंडेक्स नोन एज सैर इंडेक्स टू गिव द एस्टिमेट ऑफ सैर्स जेनेटिक पोटेंशियल। अब जो ऑफस्प्रिंग के जो परफॉर्मेंस हमें मिलते हैं डिफरेंट ऑफस्प्रिंग के, डिफरेंट सायर्स के, कई सारे ऑफस्प्रिंग के हमें परफॉर्मेंस मिलते हैं, उसे यूज करते हुए हम हर एक सायर के लिए एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिसे सायर इंडेक्स कहा जाता है, जो कि सायर के जेनेटिक पोटेंशियल के बारे में बताता है। अब हम आगे एक एक करके देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, सैर इंडेक्स है जिसे कि जनरली यूज किया जाता है। अब हम एक एक करके इन सैर इंडेक्स के बारे में देखेंगे। जो सबसे पहला इंडेक्स है वह है सिंपल डॉटर एवरेज इंडेक्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह काफ़ी सिंपल मेथड है, सिंपल वे में सिंपलेस्ट वे है सैर इंडेक्स को बनाने का। इसे एडवर्ड ने 1932 में इस मेथड को बनाया था। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस इंडेक्स को बनाने में जो सबसे बड़ा फॉल्ट था वह यह था कि इसमें डैम के प्रोडक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता है। यहाँ पर यह मानकर इस इंडेक्स को बनाया गया है कि डैम्स का किसी भी प्रकार का योगदान नहीं होता है प्रोजेनी के परफॉर्मेंस में। यह माना जाता है कि जो प्रोजेनी के परफॉर्मेंस आ रहे हैं वह सैर की वजह से आ रहे हैं, तो यह इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है। यह मेथड करेक्ट होगा एक कंडीशन में, जब सैर के जो डिफरेंट सैर्स के जो को जो डैम दिए गए हैं मेड करने के लिए, वो जो डिफरेंट काउज हैं वह सिमिलर तरीके के परफॉर्मेंस के हो, तब उस कंडीशन में यह मेथड सही ढंग से काम करेगा। इट वुड बी ऑल राइट इफ ऑल द बुल्स वेयर ब्रेड टू एवरेज ग्रुप ऑफ काउज। तो ऐसा ना हो उस कंडीशन में जब हम किसी एक पार्टिकुलर सायर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर पुअर टाइप का काव प्रोवाइड ना करें मेटिंग के लिए, तो उस कंडीशन में यह मेथड सही होगा। लेकिन यदि डैम्स डिफरेंट सायर को डिफरेंट तरीके के डैम्स दिए जाएंगे तो उस कंडीशन में यह मेथड सही नहीं होगा, बायसनेस शो करेगा। लास्ट लाइन देखते हैं, दिस इंडेक्स व्हेन यूज्ड फॉर रैंकिंग सायर्स वुड बी सब्जेक्ट टू बायस इफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डैम्स एलोटेड टू डिफरेंट सायर वेयर इन इक्वल अनइक्वल। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया है, यदि डिफरेंट डैम्स का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंट है तो उस कंडीशन में यह मेथड सही ढंग से काम नहीं करेगा, बायसनेस शो करेगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट जो इंडेक्सिंग मेथड है वह है इक्विपेरेंट इंटरमीडिएट डेरिबुल इंडेक्स, यैप इंडेक्स, माउंट हॉफ इंडेक्स। तो इस मेथड के कई सारे नाम हैं। पहला नाम तो इक्विपेरेंट इंडेक्स, इंटरमीडिएट इंडेक्स, डेरिबुल इंडेक्स, यैप्स इंडेक्स और माउंट हॉफ इंडेक्स। इसे यैप्स ने 1925 में दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, जनरली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके डिफरेंट नेम से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इक्विपेरेंट इंडेक्स को इंटरमीडिएट इंडेक्स भी कहा जाता है या फिर यैप्स इंडेक्स भी कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यह जो इंडेक्स बनाया गया, इसमें यह सोचकर इस इंडेक्स को बनाया गया
कि सैर और डैम दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं किसी भी प्रोजेनी के परफॉर्मेंस में। तो देखते हैं, दिस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द टू पेरेंट कंट्रीब्यूट इक्वली टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्रोजेनी। तो जैसा कि इससे पहले वाला मेथड था, यह जो मेथड था सिंपल डॉटर एवरेज इंडेक्स, इसमें डैम के परफॉर्मेंस को कंसीडर नहीं किया गया था। यहाँ पर यह माना गया कि डैम और सायर दोनों प्रोजेनी के परफॉर्मेंस में इक्वल कंट्रीब्यूशन करता है। अब आगे देखेंगे कि यह जो डैम का परफॉर्मेंस यदि डिफरेंट है तो उसे करेक्ट करता है, लेकिन यह इस करेक्शन के लिए फार्मूले इस करेक्शन के लिए जो फार्मूला बनाया गया है वह ओवर करेक्ट कर देता है। तो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओवर करेक्शन किस प्रकार से करते हैं। तो दिस इंडेक्स ओवर एस्टिमेट द ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ ए सायर मेटेड टू सेट ऑफ डैम्स इन्फेरियर ऑन द एवरेज। तो यदि आपने किसी सायर को इन्फेरियर टाइप का डैम्स प्रोवाइड किया है, तो जो सायर की ब्रीडिंग वैल्यू या फिर जो सायर का इंडेक्स बनेगा पहले वाले मेथड से, तो वो इन्फेरियर टाइप का डैम है तो उसका परफॉर्मेंस कम आना चाहिए, तो यह मेथड उसे करेक्ट करेगा। लेकिन करेक्ट करेगा तो ओवर करेक्ट कर देगा, यानी कि वैल्यू को इंडेक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन जितना बढ़ाना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ा देगा, तो ये ओवर एस्टिमेट करेगा। इन्फेरियर टाइप का डैम दिया गया है तो जो सैर इंडेक्स एक्चुअल होना चाहिए उससे यह मेथड थोड़ा ज़्यादा एस्टिमेट कर लेगा। और इसका वाइस वर्सा देखेंगे, इफ डैम्स हैपन टू बी सुपीरियर ऑन द एवरेज टू द जनरल लेवल ऑफ हार्ड। अब दे इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे, एंड अंडर एस्टिमेट, यह जो मेथड है वह अंडर एस्टिमेट करेगा आपके सैर इंडेक्स को इफ डैम्स हैपन टू बी सुपेरियर ऑन द एवरेज टू द जनरल लेवल ऑफ हार्ड। यदि इन केस सायर को जो डैम्स दिए गए हैं यदि वो सुपेरियर है, तो उस कंडीशन में जो सायर का इंडेक्स होगा वह ज़्यादा आना चाहिए, जो कि पहला मेथड हमने यूज किया था सिंपल डॉटर एवरेज इंडेक्स, उस कंडीशन में यह इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, तो यह मेथड उसे करेक्ट करेगा, यानी कि वैल्यू को थोड़ा घटाने की कोशिश करेगा, लेकिन यह घटाने के क्रम में उसे अंडर एस्टिमेट कर देगा, यानी जितना घटाना चाहिए उससे ज़्यादा घटा देगा। तो यह कहने का मतलब है कि यह जो मेथड है वह ओवर करेक्ट करता है आपके सैर इंडेक्स को। जो फार्मूला यूज किया जाता है वह कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर जो सैर इंडेक्स है वह 2D-m के बराबर होता है। यहाँ पर D है एवरेज यील्ड ऑफ डॉटर ऑफ द सैर, और m है एवरेज यील्ड ऑफ डैम्स मेटेड टू द सैर। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स को देखेंगे। इस इंडेक्स का नाम है करेक्टेड डॉटर एवरेज इंडेक्स या कृष्णन इंडेक्स। इसे कृष्णन ने 1956 में दिया था। तो यहाँ से भी जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि करेक्टेड डॉटर एवरेज इंडेक्स को किसने दिया था, तो कृष्णन ने दिया था। और यह जो पहले जो हमने इस कंडीशन में इक्विपेरेंट इंडेक्स में जो दिक्कतें आ रही थी उसे यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की गई। दिस इंडेक्स करेक्ट द डॉटर्स एवरेज फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल ऑफ डैम्स। तो डैम्स के जो डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल था उसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही थी उसे करेक्ट करने की कोशिश की गई। तो फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को, दिस इंडेक्स करेक्ट द डॉटर एवरेज फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल ऑफ डैम्स साइड बाय डिफरेंट बूल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिग्रेशन ऑफ डॉटर रिकॉर्ड्स ऑन डैम। तो इस टर्म को यूज किया गया था इसे करेक्ट करने के लिए। आगे फार्मूला में देखेंगे कि यह टर्म क्या है। तो जो फार्मूला दिया गया है इसके लिए वह है I3 इक्वल्स, यानी इंडेक्स इक्वल D-B_m-h। D जो है यहाँ पर डॉटर एवरेज है, M डैम्स एवरेज है, H हार्ड एवरेज है, और B जो है वह रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ डॉटर, रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ डॉटर यील्ड ऑन डैम्स यील्ड है।
अब नेक्स्ट इंडेक्स देखेंगे, यह है कंटेम्प्रेरी डॉटर एवरेज इंडेक्स। अब यह किस कंडीशन को ध्यान में रखकर इस इंडेक्स को बनाया गया, पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि समय के साथ साथ आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाते हैं, जैसे कि जैसे हम जानते हैं प्रोजेनी टेस्टिंग में काफ़ी समय लगता है, इस वजह से हो सकता है कि शुरुआत के समय में इन्वायरमेंट कुछ और हो, लास्ट में इन्वायरमेंट कुछ और हो, चेंज हो जाए, या फिर डिफरेंट सायर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है और वह सायर इंडेक्स को तैयार करने में उसे बायस्ड कर सकता है। तो इस वजह से कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत होती है इस कंडीशंस में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कंटेम्प्रेरी डॉटर एवरेज इंडेक्स को बनाया गया। यहाँ पर जो इंडेक्सिंग की जाती है वह कंटेम्प्रेरी डॉटर की बेसिस पर की जाती है। जो कंटेम्प्रेरी कहने का तात्पर्य है कि जो डिफरेंट सायर्स होते हैं, डिफरेंट सायर्स के जो डिफरेंट प्रोजेनीज आ रहे हैं वह एक ही समय में जन्म लिए हो, एक ही समय में उनका बर्थ हुआ हो, उनको कंसीडर किया जाता है इस तरीके की कंपैरिजन में। तो यदि इस कार्य को किया जाए तो जो यह प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट का वह ऑटोमेटिकली हो जाएगा और इन्वायरमेंट कंडीशन जो वेरी कर रहा है समय के साथ साथ उसकी वजह से जो बायसनेस आने वाला था वह बायसनेस नहीं आएगा। इस मेथड को दिया गया था, प्रपोज किया गया था सुंदरेशन के द्वारा वर्ष 1965 में, और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली कई बार पूछ लिया जाता है कंटेम्प्रेरी डॉटर एवरेज इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया, तो यह नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुंदरेशन के द्वारा दिया गया था और यह फार्मूला है जिसके द्वारा इसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर डी एवरेज ऑफ कंटेम्प्रेरी डॉटर ऑफ द सायर है, यानी कि उस समय जो जिस सायर को हम कंसिडर कर रहे हैं उस सायर के प्रोजेनी को छोड़कर अदर जो कंटेम्प्रेरी डॉटर है उनका क्या एवरेज है परफॉर्मेंस का, यह है सी डी। और टी जो है टी का जो वैल्यू है वह है इंट्रा क्लास कोरिलेशन, एन यहाँ पर नंबर ऑफ डॉटर है और एच जो है वह हार्ड एवरेज है। तो इस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वह है करेक्टेड कंटेम्प्रेरी डॉटर एवरेज इंडेक्स। तो यह जो अभी पहला मेथड था कंटेम्प्रेरी डॉटर एवरेज इंडेक्स उसी का एक्सटेंशन है और इसे डेरी सर्च इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, डेरी सर्च इंडेक्स और करेक्टेड कंटेम्प्रेरी डॉटर एवरेज इंडेक्स दोनों सेम मेथड है और पूछ लिया जाता है कि करेक्टेड कंटेम्प्रेरी डॉटर एवरेज इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस मेथड को भी सुंदरेशन ने दिया था और यह करेक्शन या मॉडिफिकेशन करके क्या कुछ किया गया उस बारे में देखेंगे। तो इस मेथड के द्वारा कुछ और एडजस्टमेंट किया जाता है, किस प्रकार के एडजस्टमेंट किए जाते हैं वह देखेंगे। नंबर ऑफ प्रोजेनीज के, यदि डिफरेंट सायर के डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोजेनीज है उस चीज़ को यह एडजस्ट करता है। हो सकता है किसी एक सायर के 10 प्रोजेनीज हो, किसी एक अदर सायर के 15 प्रोजेनी हो, किसी के 8 हो, किसी के 5 हो, तो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोजेनीज आ रहे हैं इसे एडजस्ट करता है। साथ ही साथ पीरियड टू पीरियड जो वेरिएशन होता है उसे यह एडजस्ट करता है। उसके अलावा डिफरेंस इन प्रोडक्शन लेवल्स ऑफ डैम्स एलॉटेड टू डिफरेंट सायर्स, अब डिफरेंट सायर को डिफरेंट डैम्स अलॉट किए गए हैं जिसका प्रोडक्शन लेवल डिफरेंट हो सकता है, तो उन कंडीशन में के वजह से जो दिक्कतें आती हैं उन सारी चीज़ों को इस मेथड के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पर इस फार्मूले को यूज किया जाता है और यहाँ पर जो सी एम है वह एवरेज ऑफ कंटेम्प्रेरी मेट्स है सी एम। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट इंडेक्सिंग मेथड को देखते हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, ब्लप जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, बेस्ट लिनियर अनबायस्ड प्रिडिक्शन, आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा रहा है इसे ब्रीडिंग वैल्यू एस्टीमेशन के लिए। यह मेथड दिया गया था हैंडरसन के द्वारा और यह जो मेथड है वह मेनली लीस्ट स्क्वायर मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो आगे मैं इसका एक मॉडल दिखाने जा रहा हूँ कि ब्लप का कुछ इस प्रकार से मॉडल होता है। यहाँ पर यह इक्वेशन जो है मैथमेटिकल मॉडल है, स्टेटिस्टिकल मॉडल है। यह मॉडल कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, वाई आई जे के म्यू प्लस एफ आई प्लस एस जे प्लस
EIJK। तो इस मॉडल को कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं कि यह जो इक्वेशन है, यह जितने भी आपके एनिमल्स होंगे सबके लिए यह एक इक्वेशन बनेगा, और वहाँ पर वाई जो है वह जिस ट्रेट को आप स्टडी कर रहे हैं उस ट्रेट का ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट है। म्यू जो है वह ओवरऑल मीन है, और एफ आई इस मॉडल में जो एफ आई लिखा हुआ है वह एफ आई है, इफेक्ट ऑफ आइथ हार्ड ईयर सीजन। तो जो नॉन जेनेटिक फैक्टर्स हैं उनके इफेक्ट को यहाँ पर स्टडी किया जाएगा इस फैक्टर के द्वारा। तो यहाँ पर हार्ड का इफेक्ट, ईयर का इफेक्ट, सीजन का इफेक्ट, इसके अलावा आप और भी नॉन जेनेटिक फैक्टर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उसको इस वाले पार्ट में इंक्लूड किया जाता है। अब एस जे क्या है? एस जे है इफेक्ट ऑफ दी जेट्स सायर। तो इसके बाद ई आई जे के जो है वह रेसिडुअल एरर है, जो कि एरर को डिफाइन करता है ये। तो इस प्रकार से इसे समझा जाता है ब्लब को, ब्लब के मॉडल को। और आगे यदि हम बात करें ब्लब की, तो ब्लब बेस्ड मेथड है जिसके द्वारा हम सैर इवेल्युएशन करते हैं। और यह बेस्ट क्यों माना जाता है? तो इसकी कुछ एक करेक्टरिस्टिक है, जैसा कि यह जो आपका डाटा होता है उसे ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेता है। यह दिस मेथड करेक्ट्स द डाटा ऑटोमेटिकली फॉर ऑल नोन नॉन जेनेटिक सोर्सेज। तो जितने भी नोन नॉन जेनेटिक फैक्टर्स होंगे जिसको जिसके रिगार्डिंग उसमें वैल्यूज पुट किए जाएंगे मॉडल में, तो उसे ऑटोमेटिकली यह करेक्ट कर लेगा। जनरली और सब जो मेथड होते थे जिसमें एडजस्टमेंट करना होता है था, करेक्शन करना होता था, तो पहले उसमें पहले करेक्शन का काम करना होता था, फिर वहाँ से एडजस्टमेंट करने के बाद डाटा को उठाना होता था, फिर स्टडी करना होता था। इस वाले मेथड में आप डायरेक्टली ब्लब को यूज कर सकते हैं, डाटा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वह है एस्टिमेट साइमल्टेनियसली ऑल द फैक्टर्स कंसर्न्ड। तो यहाँ पर आपकी इवेल्युएशन के साथ साथ जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि इसमें जो फैक्टर यूज किए गए हैं वह है हार्ड ईयर सीजन, ये फैक्टर लिए गए हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन फैक्टर के रिगार्डिंग जो पैरामीटर्स होते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उसको साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर लिया जाता है, एस्टिमेट कर लिया जाता है इस मेथड में। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है वह है मैक्सिमाइजेज द कोरिलेशन बिटवीन प्रिडिक्टर एंड प्रिडिक्ट। तो जो प्रिडिक्ट होकर जो हमारे पास वैल्यू आता है, ब्रीडिंग वैल्यू आता है, वह उसके बीच में और प्रिडिक्टर के बीच में काफ़ी मैक्सिमम कोरिलेशन पाया जाता है इस मेथड में। और जो नेक्स्ट एडवांटेज है वह है कि इस मेथड में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसे एड्रेस किया जाता है, जैसे नॉन रैंडम मेटिंग, इसे एड्रेस किया जाता है, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स ओवर टाइम, जो जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल ट्रेंड होते हैं, जो चेंजेज होते हैं उसको यहाँ पर एड्रेस किया जाता है, हार्ड डिफरेंसेस इन द एवरेज ब्रीडिंग वैल्यूज ऑफ डैम्स। तो जो डिफरेंट हार्ड से प्रोजेनीज को इस मेथड में यूज़ किया जाता है, उस हार्ड डिफरेंस को भी यहाँ पर एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा बायस ड्यू टू सेलेक्शन एंड कलिंग, जो सेलेक्शन और कलिंग हम लगातार करते रहते हैं उसकी वजह से जो बायसनेस आता है, इन तमाम जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उन सभी चीज़ों को इसमें एड्रेस किया जाता है। और इस कारण से इस मेथड को बेस्ट मेथड माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने सैर इवेल्युएशन टॉपिक को डिस्कस किया। होप करता हूँ कि चीज़ें क्लियर होंगी, यदि कुछ क्लियर ना हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।